Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. सबको नमस्कार. कल दिल्ली में 503 केस थे और पिछले 24 घंटे में आज 523 केस हैं. तो पिछले 24 घंटे में 20 नए कोरोना के केस आए हैं. इन 20 में से 10 मरकज के हैं और बाकी 10 दूसरे हैं. तो 523 टोटल केस जो दिल्ली में हैं उसमें मरकज के 330 केस हैं जो विदेशों से लौट के आए थे और विदेशों से कोरोना लेके आए थे. ऐसे 61 लोग हैं. 7 लोगों की टोटल अभी तक मृत्यु हो गई है. पिछले 24 घंटे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है. 25 लोग आईसीयू में हैं. 8 लोग वेंटिलेटर पे हैं. बाकी लोगों की स्थिति स्टेबल है. पिछले कुछ दिनों में शायद आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं. मैंने पिछले 2 दिन में भी कहा था कि एक कारण उसका है कि मरकज के केस बहुत तेजी से बढ़े. जैसे 523 में से 330 केस तो मरकज के ही हैं. मरकज के केस बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़े जिस वजह से. और दूसरा एक कारण है कि अब हमें टेस्टिंग किट मिल रही हैं तो हमने टेस्टिंग बहुत बढ़ा दी है पिछले कुछ दिनों में. और हम चाहते हैं कि जो भी टेस्ट कराना चाहे उसका टेस्ट हो और ताकि जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको ट्रीट किया जा सके, उनके कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन या उनको आइसोलेट किया जा सके ताकि वो आगे लोगों को ना फैलाएं. तो जितनी ज़्यादा हम टेस्टिंग करेंगे उतनी ज़्यादा हम कोरोना को रोकने में कामयाब होंगे. ये दूसरे देशों में भी, जैसे साउथ कोरिया सबसे कामयाब माना जाता है, साउथ कोरिया ने भी यही टेक्निक अपनाई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की थी. अब दिल्ली के अंदर भी हम खूब टेस्टिंग करने वाले हैं. एक छोटा सा जैसे मैं अगर आंकड़ा दूँ तो 25 अप्रैल के आसपास हमारे 100-125 डेली टेस्टिंग हो रही थी और उसके बाद 1 अप्रैल के बाद से लगभग हम 500 डेली टेस्टिंग कर रहे हैं और अब 500 से भी ज़्यादा 1000 के करीब डेली टेस्टिंग हमारी पहुंच रही है. और इसको बातें आने वाले समय में बढ़ाते जाएंगे. हमने 1 लाख टेस्टिंग किट्स के ऑर्डर दे दिए हैं. शुक्रवार को से 1 लाख टेस्टिंग किट आ जाएंगी तो उसके बाद हम बहुत बड़े लेवल पे हम टेस्टिंग कर सकते हैं. पिछले कल हम लोगों ने 6,90,000 लोगों को लंच कराया था और लगभग 6,94,000 लोगों को डिनर कराया था. मेरी आप सब लोगों को मेरा भरोसा है, विश्वास है कि एक भी आदमी को दिल्ली के अंदर हम भूखे नहीं सोने देंगे. हम लोग जैसे मैंने बताया 6,90,000 लोगों को हमने लंच कराया और 6,94,000 लोगों को हमने डिनर कराया. लेकिन इसके अलावा मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग समाज के अपने अपने स्तर के ऊपर खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं, अपने अपने स्तर के ऊपर लोगों को खाना खिला रहे हैं, भूखों को खाना खिला रहे हैं. उन सबको मैं सलाम करना चाहता हूं और इस वक्त सारा समाज मिलके इस विपदा से जूझ रहा है. जैसा मैंने बताया था 71 लाख लोग जो राशन कार्ड धारी हैं उनको हम हर व्यक्ति को 71 लाख लोगों को हर व्यक्ति को 7.5 किलो राशन मुफ्त दे रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है लेकिन वो भी बहुत गरीब हैं, उनको भी अभी खाने की दिक्कत हो रही है. उन लोगों को कल से राशन मिलना चालू हो जाएगा. तो कल 421 स्कूलों से उनको राशन बंटना चालू होगा. हमने 10 लाख लोगों को हर व्यक्ति को प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो राशन दिया जाएगा, 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल. हमने सबके लिए राशन का इंतजाम कर लिया. अभी शुरू में 10 लाख लोगों के लिए इंतजाम किया है लेकिन अगर कम पड़ गया तो हम और भी राशन ले लेंगे केंद्र सरकार से. इस मामले में हमें केंद्र सरकार से पूरा सहयोग मिल रहा है.
मेरी आप सब लोगों से विनती ये है, सभी एमएलए, सभी एमपी, सभी काउंसलर्स, वो लोग भी सुनिश्चित करें कि भीड़ नहीं लगनी चाहिए। अगर वहां पे भीड़ लग गई तो सारा लॉकडाउन का असर खत्म हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और आपको हायतौबा करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे आइए, थोड़े लोग कल आए, थोड़े लोग परसों आए, थोड़े लोग उसके अगले दिन आए, ये आपका खुला है, चिंता मत कीजिए। एक एक व्यक्ति को हम राशन दिलाएंगे, राशन खत्म भी हो गया और राशन ले लेंगे हम केंद्र सरकार से, आपको राशन जरूर देंगे। लेकिन कल से कृपया करके भीड़ मत कीजिएगा। 421 स्कूलों में कल से राशन बंटने जा रहा है, अभी फिलहाल 10 लाख लोगों का इंतजाम किया है, लेकिन और भी इंतजाम कर लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मैं पिछले दो तीन दिन से कह रहा था कि हमें पीपी किट्स की कमी है, लेकिन हमारे पास केंद्र सरकार की चिट्ठी आई है कि 27,000 पीपी किट्स वो हमें अलॉट किया है उन्होंने। इसके लिए हम केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। हमें उम्मीद है शायद ये पीपी किट्स कल या परसों तक हमारे पास डिलीवर हो जाएंगी, और उसके बाद से दिल्ली में जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। तो हम सब लोग मिलके इस पे इस लड़ाई से जूझ रहे हैं, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सभी दिल्ली के लोग, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस लड़ाई में जरूर कामयाब होंगे। आप स्वस्थ रहें, आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहे, ऐसे मैं प्रभु से कामना करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।